Today I am going to show you the 5 famous food you must eat if you visit Shahino ka Shahar, I mean Sargodha. So chale, shuru karte hain phir. तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो कि है मोतीचूर। वैसे बेसिकली मोतीचूर जो है वो मिठाइयों की दुकान है, लेकिन ये सुबह टाइम जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता भी लगाते हैं। सो ये है जी मोतीचूर, बाहर जो है इनका सिंपल सा सेटअप लगा हुआ है, पूरियाँ निकाली जा रही हैं। और इनकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ तो ये कचहरी चौक है। जैसे ही आप कचहरी चौक में आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा मोतीचूर। चलते हैं अपनी पूड़ियाँ लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसी हैं। Get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. तो नाश्ता जो है वो हमारा आ चुका है, प्लेटर जो है हमने इनका मंगवा लिया। टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक पूड़ी अगर मैं इनकी आपको दिखाऊं तो बड़ी ऑयली फ्री सी पूड़ी है, खस्ता सी पूड़ी है इनकी। हम सब फर्स्ट बाइट जो है वो अपनी बना लेते हैं हम चनों के साथ, कि वो चनों के साथ टेस्ट कैसा करवा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों के अंदर जो है उन्होंने आलू की भुजिया वगैरह भी मिक्स की हुई है, वो भी मुझे लगता है कोई भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगी। ऊपर जो है हम थोड़ा सा प्याज रख लेते हैं। ओए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने चने के अंदर आलू की भुजिया डाली है ना, वो दोनों चीज़ें मिलके बड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन बना रही हैं। बाकी हलवे के साथ भी एक बाइट बना लेते हैं, हलवा चेक करते हैं इनका हलवा कैसा टेस्ट में। माशाल्लाह, देखने में तो मुझे बिल्कुल घर वाला, जैसे हम घर में हलवा बनाते हैं वैसा हलवा लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये मजे का होगा। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, टेस्ट करते हैं। बड़े फिट किस्म का हलवा बनाया हुआ। वैसे मैं अक्सर पूड़ियाँ खाते हैं तो बड़ा रंगदार हलवा होता है। बाकी ओवरऑल नाश्ता अच्छा है। 250 रुपये में जिसे कहते हैं ना एक पूरा आपको प्लेटर देते हैं, वो 3 पूड़ियों के साथ एक बंदा जो है ना इजीली नाश्ता कर सकता है और मज़े का। ऐसे जो लोग सरगोधा में रहते हैं उन्हें मोतीचूर का ना पता हो ये तो हो नहीं सकता। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो मोतीचूर का नाश्ता लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सो चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो हम अपने सेकंड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जो कि है महर चाचू लस्सी वाले। अगर सरगोधा में लस्सी की बात की जाए और महर चाचू लस्सी वाले का नाम ना आए ऐसे तो हो नहीं सकता। इनकी सरगोधा में जो है वो दो ब्रांचेज हैं, एक जो है वो न्यू उर्दू बाजार में है और एक जो है वो सरगोधा रोड पर। जो हम जो है वो इनकी पुरानी वाली ब्रांच में है, ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। चलते हैं अपनी लस्सी लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसी है। लस्सी जो है वो आ चुकी है, लस्सी के अंदर मलाई जो है वो आपको वाजह नज़र आ रही है, काफ़ी मेदार में उन्होंने मलाई डाल दिया। मग हमने लगवा लिया, टेस्ट करते हैं टेस्ट में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं भी अभी तक सोच रहा था यार नाश्ते का मज़ा क्यों नहीं आ रहा, इतना नहीं पता कि हमने अभी तक लस्सी नहीं पी यार। 80 रुपये में मैं तो प्राइस सुन के हैरान हो गया हूँ कि मैंने और भी बड़ी सिटी से लस्सी पी है। आप नॉर्मल लस्सी पिए ना उसकी प्राइस जो है ना अराउंड अबाउट 100 की होती है नॉर्मल लस्सी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी नॉर्मल सी इन्होंने प्राइस रखी है।
चलते हैं हमने तीसरे पॉइंट की तरफ। नाश्ता जो है, अब हमारा नाश्ता जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो हम अपने तीसरे पॉइंट में पहुंच चुके हैं, जाल चक्कियां की दाल खाने। मुझे बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया था कि अगर आप सरगोधा में आते हैं तो आप जाल चक्कियां की दाल जो है ना वो लाजमी टेस्ट करना। मैं समझ रहा था कोई ना आम सी दाल होगी, लेकिन जब मैं इधर पहुँचा हूँ लोगों का यहाँ पर रश लगा हुआ है, फुल टाइम जो दाल चल रही है, लोग दाल खा रहे हैं। इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो इनकी आपको लोकेशन गूगल मैप पे भी मिल जाएगी। वैसे ये जाल चक्कियाँ एक इलाका है सरगोधा से, थोड़ा सा आप बाहर आते हैं वहाँ पे आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। पिन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी चलते हैं, दाल लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। हमारा जो मेन आइटम है वो है जाल चक्किया की मशहूर दाल, चना और मूंगी मिक्स, देसी घी वाली दाल। दाल के अलावा बड़ा गोश्त है, बीफ कौरमा है, देसी मुर्गा है, नमकीन है, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, टिक्के पीस, कबाब, मलाई बोटी, चिकन हांडी। 24 घंटे आपको दाल मिलेगी खाने के लिए। पार्सल जो है 120 रुपए की है, ठीक है, और इधर खानी है सर्विस 160 रुपए की। सो दाल जो है वो हमने मंगवा लिया इनसे, और साथ जो है वो तंदूरी रोटियाँ और साथ सलाद मंगवा लिया। और यहाँ पे आपको हर टेबल के ऊपर, तकरीबन हर टेबल के ऊपर आपको दो चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी। एक आपको अचार मिलेगा, और दाल के साथ अचार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और दूसरा आपको यहाँ पे मटके में जो है ना आपको पानी सर्व किया जाता है, ठंडा पानी। सो बाकी दाल ठंडी हो रही है, टेस्ट करते हैं। फुल ग्रेवी वाली इनकी दाल है, मैं आपको दिखाऊँ। फुल जो है ऊपर उन्होंने देसी घी डाला हुआ है दाल के। ओए होए 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 होए, टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसी है। गर्मा गर्म रोटियाँ, दाल में आपको दिखाऊँ। ओए होए होए होए, ऊपर हम थोड़ा सा रख लेंगे प्याज, साथ जो है वो हम रख लेंगे ऊपर अचार। बिस्मिल्लाह, मेरे यकीन करें मेरे खुद मुंह में पानी आ गया बाइट बनाते हुए। बाकी टेस्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। हमारा देसी घी का प्रॉपर रहेगा। बेसिकली ये मिक्सचर है दाल माश का, दाल चने का, बड़ी अच्छी तरह किसी ने मुझे दाल बनाई हुई है, तो अलहमदिल्ला मज़े की दाल है। सो बाकी चल रहे हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो हम अपने चौथे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, जो कि है जमजम रेस्टोरेंट। अगर सरगोधा में कढ़ाई की बात की जाए, वाइट कढ़ाई की बात की जाए, तो जमजम रेस्टोरेंट अपना एक नाम, अपनी एक पहचान रखता है पूरे सरगोधा में। सो हम पहुँच गए हैं, ये बिल्कुल मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है जमजम रेस्टोरेंट। चलते हैं अंदर, इस समय शदीद गर्मी है। अभी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्जा हरारत पहुँच चुका हुआ है, और अभी इसने 45 तक जाना है, तो अल्लाह खैर करे। बाकी गर्मी जो है वो बड़ी ज़्यादा पड़ रही है। चलते हैं अपनी कढ़ाई की तैयारी देखते हैं और टेस्ट भी करते हैं कि टेस्ट में कैसी है। फुल टाइम कढ़ाइयाँ तैयार की जा रही हैं, बस कढ़ाइयों की तादाद गिनते हैं आप। अभी टाइम भी जो है वो तकरीबन 2 बज रहे हैं, जुम्मे के फ़ौरन बाद का टाइम है, और माशाल्लाह कढ़ाइयाँ देखें आप, कुछ 15-20 कढ़ाइयाँ एट अ टाइम लगी हुई हैं। फुल टाइम कढ़ाई तैयार की जा रही है। ये कौन सी कढ़ाई है जी? चिकन कढ़ाई है। तो ये जी वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार होने लगी है, चिकन बोनलेस जो है उन्होंने डाल लिया कढ़ाई के अंदर। वो ऊपर आ चुकी है क्रीम, दूसरा पैकेट आ चुका है क्रीम का। वो तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट आ चुका है क्रीम का भैया, पांचवा पैकेट आ चुका है क्रीम का, और ये आ चुका है छठवां पैकेट। ओहो, नीचे बोनलेस चिकन है, ऊपर जो है वो क्रीम ही क्रीम हो गया माशाल्लाह। आठवां पैकेट आ चुका है क्रीम का। क्रीम उन्होंने डाल लिया, नीचे बोनलेस है चिकन है, उसको जो मिक्स किया जा रहा है। ओ हो, कलर देखें आप, फुल क्रीमी क्रीमी कढ़ाई हो गई है माशाल्लाह। इसके बाद ये ज़ीरा आ गया जी, ज़ीरा डाल दिया उन्होंने ऊपर, वाइट ज़ीरा आ गया, उसके ऊपर आ गया जी धनिया। ओए होए 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 होए, कितनी देर लगती है इसको तैयार होने में? 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 से 4 मिनट, हाँ, क्रीम के बाद जो है वो 3 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो पहले ही तैयार हुआ होता है। कुजे के अंदर जो है वो सर्व की जाती है। ओए होए 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 माशाल्लाह, एक कुजा तैयार हो चुका है, और ये आ चुका है दूसरा कुजा। हाय 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 माशाल्लाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है कढ़ाई को। सो कढ़ाई जो है वो हमारी आ चुकी है, बेसिकली ये कुजे के अंदर जो है वो सर्व करते हैं। ये हमने हाफ के जी मंगवाई है, इसकी प्राइस जो है वो 650 रुपीज़ है। साथ जो है वो हमने नान मंगवा लिया, रोटियाँ भी मंगवा ली हैं, सैलड भी आ गया हमारा,
और रायता भी आ चुका है। सो टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जब आप बाइट लेते हैं ना इसकी, तो आपको फर्स्ट बाइट में पूरा क्रीमी सा टेस्ट आता है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जब आप आए थोड़ी सी स्पाइसी भी खुआ के खाएँ, क्योंकि क्रीमी सा टेस्ट होता है वो इसलिए स्पाइसी नहीं रहती। वैसे हैवी होती है, थोड़ी खाई जाती है, लेकिन मज़े की है, ओवरऑल मज़े की है। तो हम ज़रा खा लें, हमारी कढ़ाई और ठंडी हो जाए, फिर आपको मिलने हैं। सो हम अपने पाँचवें और आखिरी पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, जो कि है तोफैल चाम वाले, जो कि पूरे सरगोधा में चाम को लेकर अपना नाम और अपनी एक पहचान रखते हैं। इनके पास बेसिकली आपको तवा चाम मिलती है और साथ ये तवे के ऊपर कीमा भी तैयार करते हैं। चलते हैं, अपने चांपे लगवाते हैं और कीमा लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि टेस्ट भी कैसा है। चांपे जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब उन्हें एक प्लेट में डाला जाएगा। ओए होए होए माशाल्लाह, ऊपर जो है उन्होंने ग्रेवी थोड़ी सी दही डाल के तैयार करके, तो ऊपर ग्रेवी डाली जा रही है। साथ जो है वो हम अपना कीमा लगवा लेते हैं, कीमा भी टेस्ट करते हैं कि इनका कीमा टेस्ट में कैसा। वैसे मुझे तो जैसे वो बना रहे हैं ना, मुझे मज़े का लग रहा है। दोनों चीज़ें जो है वो हमारी लग चुकी हैं, चलते हैं टेस्ट करते हैं टेस्ट में कैसी हैं। सो सबसे पहले जो है वो चाम को टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसी है। हाय 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 हाय, देखिए हाथ लगाने की देर है और साथ से पीस उतर गया। थोड़ा सा इसको हम ड्राई करके टिप करेंगे। बाइट ले लेते हैं अपनी चाम की। अमेजिंग टेस्ट है यार, फायदे डिप करते हैं। मेरा तो रोटी खाने का दिल ही नहीं कर रहा इसके साथ। चांपे और कीमा जो है वो दोनों चीज़ें हमने टेस्ट कर लिया। अगर जिन लोगों ने आरिफ चटखारा लाहौर वाले आरिफ चटखारा को टेस्ट किया हुआ ना, जिस तरह वो स्पाइसी और मसालेजात और बड़ा चटखारा किस्म का वो बनाते हैं ना, सेम लाइक वैसे ही। लेकिन मुझे ये आरिफ चटखारा से अगर पर्सनली पूछे तो मुझे ज़्यादा मज़े का लगा, क्योंकि जो चांप थी अच्छी तरह एक तो वेल मैरिनेट थी, ऊपर से जो इनके मसालाजात थे वो बड़े फिट किस्म के। क्योंकि जो मटन है ना, जो चांपे हैं खास तौर पर जो चीज़ तवे पर बनती है, अगर उसके मसालाजात अच्छे नहीं होंगे ना तो वो इतना टेस्ट नहीं देगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे इनका चांपों का थोड़ा सा हाई लगा, बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। सीटिंग भी है इनके पास, फैमिली वाल भी है। आप आएँ टेस्ट करें, जब भी सुबह आए इनकी चांपे का वो लास्ट में टेस्ट करें।